नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल, कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए ऑरेंज कलर के गाजर का तुरंत बनने वाला अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए तुरंत बनने वाला गाजर का अचार किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। तुरंत बनने वाला गाजर का अचार बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आवश्यकतानुसार कद्दूकस में किसी हुई गाजर, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, कच्चे आम कैरी का अचार, एक नींबू का रस या स्वादानुसार नींबू का रस। तो चलिए तुरंत बनने वाला गाजर का अचार किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए और लिए हुए इस बाउल में स्वादानुसार कद्दूकस करी हुई गाजर, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर और कच्चे आम कैरी का अचार, नींबू का रस, इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपने मेरे कुकिंग विद सविता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए इस तरह तुरंत बनने वाला गाजर का अचार बनकर तैयार हो चुका है। अब इस बनाए हुए गाजर को एक एयरटाइट डिब्बे में भर कर 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हो। तुरंत बनने वाला गाजर के अचार के इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी के बारे में अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए। मेरे इस रेसिपी के वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। तुरंत बनने वाला गाजर के अचार के इस रेसिपी के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।